फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और मैं कुलदीप टाक आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हम आए हैं मेरे गांव के ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर, और ट्रेनिंग के लिए आए हैं नवीन सर, जो कि देहरादून से ना। तो सर ने वैसे वीडियो देख के ही कॉन्टेक्ट किया था यूट्यूब से, जैसे कि आपका प्यार मिल रहा है। और काफ़ी टाइम हो गया था मुझे इनसे बात करते हुए, ये बताया ट्रेनिंग के लिए आना चाह रहे थे, लेकिन मैं बिहार चला गया और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो लास्ट में आज सर पहुंच चुके हैं, कल पहुंचे थे और आज हम इनके ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो ट्रेनिंग का फर्स्ट डे है, तो सर क्या फील कर रहे हैं आप, मतलब क्या करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा आपने विचार प्रकट कीजिए। दिल इतना दुख दुख कर रहा है। अच्छा। कि जो लग रहा है कि जैसे कुछ ऐसा हो रहा है जो जिस चीज़ को आप सोचते हो कि सबसे ज़्यादा नया होने जा रहा है जी, तो कुछ ऐसी फीलिंग हो रही है। ओके। परसों जब मैं घर से मूव करने जा रहा था, मुझको परसों रात की बात है, मुझको 1:30 बजे मेरी रात को आँख खुल गई थी। फिर मैं सोचता रहा कैसे होगा, लैंडिंग कैसे होगी, वही मतलब घबराहट कभी होती थी कभी, फिर कुल मिला के लगा यार कि माइंड को कंट्रोल करना है। तो अभी ऑन ग्राउंड पहुँच गया हूँ, देखते हैं। ओके। तो कोई बात नहीं, जो आपकी ये बहुत ही एक्साइटमेंट ये भरी हुई है, थोड़े दिन में आम होने वाली है, ठीक है। तो अभी पहले मैं आपको विंग के बारे में बता देता हूँ। ये जो विंग होता है, ये टॉप वाला जो होता है पोर्शन, इसको लीडिंग एज बोलते हैं, ठीक है। हाँ, लीडिंग। अच्छा, जो जो लीड करते हैं इसको। और ये सेल होते हैं, इसके अंदर हवा जाती है अंदर, ठीक है। ये प्रेशर में आता है, जैसे ही हम एयराइजर, ये एयराइजर की लाइन्स है सबसे टॉप पे, तो जैसे इसको पुल करते हैं ये ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है। और यहाँ पे एयर फिल होती है, डबल लेयर है, सिंगल स्किन का भी आता है और डबल स्किन का भी आता है। विंग जो है अलग अलग आते हैं, आजकल सिंगल स्किन के आने लग गए हैं जिसमें सिंगल ही स्किन रहती है, ठीक है। और अब मैं आपको राइजर के बारे में बता देता हूँ। सेंटर ये देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, सेंटर में हमेशा किसी न किसी विंग के अंदर ये लगा रहता है, मार्क जो है सेंटर मार्क वो लगा रहता है। तो ये सेंटर आपके सिर के ऊपर होना चाहिए हमेशा, जब तक बिल्कुल सेंटर में नहीं होगा ये विंग बिल्कुल अलाइन नहीं होगा और आप टेक ऑफ नहीं करेंगे, ठीक है। जब तक आपके सिर के ऊपर ये सेंटर नहीं आ जाता, अगर ये इधर है या पीछे है, तो टेक ऑफ नहीं होगा। ये बिल्कुल आपके सिर के ऊपर आ गया, फिर आपने पावर दिया और आप टेक ऑफ अटेम्प्ट करेंगे। अब मैं बता देता हूँ राइजर के बारे में, इनको लाइन्स बोलते हैं, ठीक है। ग्लाइडर की लाइन है, जो आप बता रहे थे ना कि ये रस्सियाँ डाल रखी हैं बैकपैक में, वो इसी की बनी है, ये एयराइजर है। ओके। ये दोनों एयराइजर होते हैं, ये बी, ये सी और ये ब्रेक लाइन होती है। इसके साथ में ये ट्रिमर होता दिया हुआ। ट्रिमर का क्या काम होता है, विंग की स्पीड को कम और ज़्यादा करना, ठीक है। ये ट्रिमर के साथ में अगर चलेगा तो विंग की स्पीड कम हो जाएगी। ये इसको रिलीज़ कर देते हैं पूरा, तो अब ये फुल स्पीड के अंदर जितनी इसकी मैक्सिमम है वो स्पीड गेन करेगा। आगे इसको पुल कर लेते हैं तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हार्नेस हम अटैच करेंगे, आप थोड़ा इसको पास से नोट करना ताकि मैं इस चीज़ से कुछ और। हाँ बिल्कुल, ये आपके लिए है। और ये आवाज साफ आनी चाहिए, क्या आपकी आवाज़ साफ आएगी तो मैं इस चीज़ से सीखने में मुझको हेल्प मिलेगी बाद में। बिल्कुल सर, और बाकी ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ अभी के लिए है, धीरे धीरे करके होता ही रहेगा। अपने आप बढ़ेगा। शर्ट है ना, अब क्या करना होता है, ये जो ए लाइन है, ठीक है, ये हमेशा आप जो इजी अगर आपको जो करना है तो कंधे के ऊपर से लीजिए, ऐसे ए लाइन हमेशा ऊपर रहनी चाहिए। और फिर कैराबिनर जो है इसके साथ में अटैच करना है ऐसे, ठीक है। इसको अटैच करने के बाद में आप उठा के देखेंगे तो जो फ्रंट में है वो एयराइजर होना चाहिए। अगर ये घूम के लग जाएगा तो एयराइजर पीछे चले जाएंगे तो वो प्रॉब्लम करेगा, ट्विस्ट कर जाएगा वो। सेम इसी तरीके से ये लिया कंधे के ऊपर से और ये फ्रंट में ही इसको कनेक्ट करते हैं, तो हमेशा ए लाइन सामने की तरफ रहेगी। ओके। तो अब क्या है, ये जो ब्रेक लाइन है, ठीक है, ये एक अकेली लाइन है जो फ्री होती है, ये कहीं भी उलझ सकती है, तो हमेशा इसको क्लियर करके ही हाथ में पकड़ना है। कई बार क्या होता है, ये इसको घूम के या किसी अंदर निकल के
और हम हाथ में पकड़ लेते हैं, तो फ्लाइट टेक ऑफ होने के बाद में पता चलता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रखी है, फिर इसको छोड़ के हमें सुलझा के वापस करना पड़ता है इन फ्लाइट, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता। एक्सीडेंट के कारण मोस्टली इससे हो जाते हैं, तो इसलिए इसको पहले क्लियर करके चलें कि हाँ ब्रेक लाइन क्लियर होनी चाहिए। और इसके नीचे से जैसे ये निकाला तो हाथ इसके नीचे से लाकर ये हम ऐसे ए लाइन पकड़ते हैं, ठीक है, ताकि ए लाइन आगे रहेगी और हाथ के ऊपर रहेंगे राइजर, जितने भी राइजर्स हैं ये हाथ के ऊपर से रहेंगे, इसको ऐसे नहीं पकड़ सकते हम कभी भी, ऐसे नीचे से ला के ये सारी के सारी लाइन्स ऊपर रहेंगे। ओके, सेम इसी तरीके से ये है, ये हुआ और ये, ठीक है। हमेशा ही जब टेक ऑफ अटेम्प्ट करते हैं, चाहे बैकपैक के साथ हो या पैराग्लाइडिंग में हो, दो कदम पीछे हटते हैं ताकि आपको रन अप मिल सके डायरेक्टली, ठीक है, रन करने के लिए। अगर ये रन अप नहीं लेंगे, ग्लाइडर टाइट है और हल्की सी हवा चल रही है, तो आपको एकदम से पीछे की तरफ विंग खींच लेगा, और भागते हुए हमेशा ही जो हमारी रनिंग होती है पोजीशन, जैसे कि दौड़ लगाते हुए ये पोजीशन बनाते हैं वो, तो वैसा ही इसमें है कि आगे की तरफ झुक के हमें रहना है हल्का सा, ताकि जो फोर्स ये विंग लगा रहा है वो डायरेक्टली डाइवर्ट होके पैरों की तरफ जाए। अगर आप खड़े होकर ऐसे भागेंगे तो ये आपको पीछे खींचेगा, लेकिन अगर आगे झुक के भागेंगे तो पूरा का पूरा फोर्स जो है वो पैरों से अप्लाई होगा। ओके, ठीक है, ये विंग ओपन कर दो आप, सर विंग ओपन कीजिए थोड़ा सा, जैसे वो खुला हुआ है, हाँ बस हो गया। एक चीज़ और नोट करने वाली है, जो मेरी हर वीडियो में आपने देखा होगा कि जब भी हम टेक ऑफ करते हैं तो ये जो सेंटर पॉइंट है विंग का, हमारा सेंटर पॉइंट है और हवा का सेंटर पॉइंट जहाँ से हवा आ रही है, वो एक लाइन में होना चाहिए। यानी कि अगर वहाँ से कुछ चीज़ ड्रॉप करते हैं आपके सामने से, तो आपको छूते हुए विंग के सेंटर तक जानी चाहिए, ठीक है, तब बिल्कुल बिल्कुल जो विंग है वो सीधा आएगा। लेकिन विंग भी अलाइन होना चाहिए, अभी प्रॉपर अलाइन नहीं है हमारा विंग, ठीक है, इक्वल नहीं है। जैसे कि अब अगर हम रन करते हैं तो ठीक है, अब देख सकते हैं इस साइड की लाइन ज़्यादा लूज है, उस साइड की थोड़ी टाइट है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये इतना उड़ जाएगा। तो अब एक अटेम्प्ट कर लेते हैं, पैर के अंदर कोई भी लाइन नहीं होनी चाहिए, पैर का रास्ता क्लियर होना चाहिए, नहीं तो पैर में लाइन उलझेगी और आपका पैर भी कट सकता है और आप गिरेंगे, ठीक है। लगा दीजिए, जोर से, सही है, सही है, रन, आप बैकों को देखते हुए, लेफ्ट 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 डाल लीजिए, लेफ्ट कौन सा सर, लेफ्ट कौन सा, आपका हाथ देखिए कहाँ है ये। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि ट्रेनिंग का डे वन था और उनको सिर्फ ब्रीफ किया था हमने और कुछ एक अटेम्प्ट्स भी करवाए थे, क्लियर मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ पहले दिन कुछ करवाया था। तो उनकी एज बता दूं कि मैं 60 प्लस है वो, शायद हाँ 60 के आसपास की उनकी एज है, और उनको बैकपैक ट्रेनिंग करना था। मैंने उनको रिकमेंड किया था कि आप ट्रैक ट्रेनिंग कीजिए, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग अगर कोई भी इंजरीज होती हैं तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं अगर एज ज़्यादा होती है तो। लेकिन वो आर्मी पर्सन थे तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था उससे, वो चाह रहे थे कि वो बैकपैक ट्रेनिंग ही करें, बैकपैक के साथ में फुट लॉन्च के साथ में, और वो फ्लाइंग करें। तो फिर उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई और डे बाय डे आप देखेंगे कि उनकी जो फ्लाइंग है लास्टली वो काफ़ी अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया। हालांकि उन्होंने एक ही दिन फ्लाइंग कर पाए वो, उसके बाद में उनको अर्जेंटली निकलना था, लेकिन मैं उनका रिव्यू शेयर करूँगा एंड में। तो उस एज के अंदर उन्होंने इतना कुछ किया जो कि मैं नहीं कर पाता हूँ, तो रियली उनको सल्यूट है, और वैसे भी सोल्जर हैं वो। तो उनकी आगे की वीडियोस आप ज़रूर देखेंगे और आई होप उनकी वो भी वीडियो आपको पसंद आएंगी। तो मिलते हैं अगली ट्रेनिंग की वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।